It's a nice read. आधी चढ़ने में हाल बुरा हो गया, साथ कैसे चढ़ेंगे? हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 11 बजे से। हम लोग रेडी हैं, हम लोग जा रहे हैं आज सेवन सिस्टर्स लंदन से थोड़ा आगे। बहुत फेमस ये टूरिस्ट स्पॉट है, हम आज तक नहीं गए हैं, पहली बार जा रहे हैं क्योंकि आज वेदर है बहुत ही प्यारा, फुल सनी डे है। नॉट जस्ट सनी, इट्स अ ब्राइट सनी डे, सो हमने मौके का फायदा उठाया। तो बस चलते हैं सेवन सिस्टर्स, आप लोगों को भी दिखाते हैं। क्योंकि काफी गर्मी थी और हमने करनी थी ट्रैकिंग, इसलिए मैंने बड़े कंफर्टेबल से कपड़े पहने थे, लूज लूज से, ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं और ट्रैकिंग आराम से कर लूं। जीन्स वगैरह पहनती तो मुझे इरिटेशन होती रहती। शूज भी मैंने ट्रेनर ही पहने थे ताकि वॉक करने में आसानी हो। बाकी ये सारी चीजें तो मैं अपने पास आगे ही रख लेती हूँ, चाबी बैग में रखूंगी। जी सेटल्ड हो जाते हैं एंड ग्लासेस लगा लेते हैं भैया जी, क्योंकि काफी धूप है जी। सो ग्लासेस लग गए हैं, सेटल्ड हो चुके हैं गाड़ी में, और एक मिनट बैग रख दूं। मैंने अपने साथ बुक भी ले ली है कि बहुत लंबा सफर है, बोर हुए तो पढ़ लेंगे। इट्स अ नाइस रीड, एक लाइट हार्टेड लव स्टोरी है, फिक्शन है। मुझे कमेंट्स आए हुए थे आप आजकल क्या पढ़ी हैं, सो आई एम रीडिंग दिस। यूके की राइटर कोई हैं, मैंने रैंडमली ऐसे ही उठा ली थी, बट अच्छी है, अच्छा टाइम पास है। After a drive of 2 hours, हम finally पहुंच गए हैं। और यार यहाँ पे घर बहुत प्यारे प्यारे बने हुए हैं, मतलब usually UK में इस तरह के घर दिखते नहीं है, I mean London में मुझे नहीं दिखते हैं, UK में maybe होते हूँ। काफी नए स्टाइल के घर बने हुए हैं यहाँ पे। राइट साइड पे सारा बीच चल रहा है, साथ साथ बीच है भाई, पत्थरों वाला बीच है, नहाने के लिए नहीं है, काफी डीप है बट खूबसूरत है। और आगे जाएंगे तो हमें वो सेवन सिस्टर्स जो सेवन क्लिफ्स हैं वो दिखेंगी। काफ़ी छोटा सा क्यूट सा टाउन है, यहाँ पे समंदर है जो बहुत प्यारा दिख रहा है, कलर दिखें कितना प्यारा है सी का, अभी वो करीब से जाके देखेंगे। अब यहाँ से आगे हमें 1.5 घंटे की ट्रैकिंग करनी है, तो हम ऊपर क्लिफ्स पे जाएंगे और वहाँ जाके वो जो भी जगह है वो एक्सप्लोर करेंगे। 1.5 घंटा हमने यहाँ से ऊपर ऊपर ट्रैकिंग करनी है, लेट्स सी कितने सक्सेसफुल होते हैं कितने नहीं, फिटनेस कोई खास तो है नहीं हमारी। पहले हमने डिसाइड किया नीचे जरा सी देख लेते हैं, पेबल बीच था, नहा तो यहाँ पे कोई सकता नहीं था, वैसे भी ये बहुत डीप सी है, बट व्यूज बहुत खूबसूरत थे, बहुत सुकून वाला, बहुत पीसफुल था। ऊपर से जो कलर था ना, इतना ब्यूटीफुल कलर था सी का, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल मालदीव के किसी बीच पर आई हुई हूँ। खामोशी, ठंडी ठंडी हवा, ऊपर सूरज और नीचे बहुत खूबसूरत सा पानी, ऐसी किसी भी जगह पर मैं जाऊँ तो खामोशी से बैठी रहती हूँ बहुत देर तक, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Thank you.
इरादा तो हमारा था कि डायरेक्ट ही हाइकिंग करने ऊपर क्लिफ्स पे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ इतना मजा आ रहा था, हम काफी देर यहीं बैठे रहे थे। फिर हमने अपनी कमर कसी और ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। जितना ज्यादा ऊपर हम आते जा रहे थे उतना ज्यादा सूरज तेज होता जा रहा था। तो ये सारे लाइम स्केल के पहाड़ है, लाइम स्टोन कहलाते हैं, उससे लाइम स्केल होता है। ये वाइट वाइट ही वो है। और ये हर साल कम हो जाते हैं पानी लग लग के। जो सेवन सिस्टर्स यानी के सेवन क्लिफ्स जो हैं, उसमें ये पहली वाली है जिसपे हम चढ़े हैं। पहली वाली पे चढ़ेंगे और ऐसी बराबर बराबर में साथ हैं। ये तो अभी आधी चढ़ने में हाल बुरा हो गया, साथ कैसे चढ़ेंगे, मुझसे नहीं होगा। शुरू शुरू में वाकई मुश्किल लग रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो रही थी, बट फिर ग्रेजुअली समझ आ गया कि कैसे कंट्रोल करना है हार्ट बीट और ब्रीथ करते रहना है। 15-20 मिनट बाद फिर मैं नॉर्मल हो गई थी, मज़ा आने लगा था हाइकिंग करने में। और देखें वो पानी वाली जगह कितनी नीचे चली गई है, हम लोग कितना ऊपर आ गए हैं, और जितना ऊपर जाते जा रहे थे उतना और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऐसे पहाड़ तो मैंने बहुत देखे हैं, पाकिस्तान में एक से एक खूबसूरत पहाड़ हैं और खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन इतना ऊपर तक चढ़ के आना ये एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया था। सो आज मैंने वो भी कर लिया थैंक्स टू माय हस्बैंड। और इतने छोटे छोटे घर लग रहे थे ना यहाँ से नीचे, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से घर नजर आ रहे थे सारे, और आसमान उतना ही करीब। मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं हाथ बढ़ाऊंगी और बादल मेरे हाथ में आ जाएंगे। ऑनेस्टली कैमरा बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पा रहा जितना खूबसूरत ये सब लग रहा था। दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़, पहाड़ के ऊपर ही हैं हम, एंड छोटे छोटे इन्होंने ऐसे बेंचेस लगाए हुए हैं। सो प्रिटी, वो रही सेवन सिस्टर्स। ये सात क्लिफ्स हैं वाइट कलर की एक जैसी, इसलिए इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। आखिरकार ले ही आए हमारे मियाँ जी। हैरत तो मुझे एनिमल्स के ऊपर हो रही थी, हम इतना ऊपर थे पहाड़ के, लाइक सबसे ऊंची वाली क्लिफ पे थे, और यहाँ पे मुझे शीप हॉर्स ये सब नजर आ रहे थे। ये इतनी ऊपर आते हैं या तो ऊपर ही रहते हैं, आई रियली डोंट नो, बट आई वाज अमेज्ड। अल्लाह की कुदरत देखें आप, यहाँ पर इंसान इतना ज्यादा इजिली नहीं आ सकता और जानवर यहाँ पे फ्रीली घूम रहे थे। मुझे यहाँ आने से इतनी सुस्ती हो रही थी ना, मुझे सुनकर ही कि हाइकिंग करनी है जान जा रही थी ऑनेस्टली, बट एक दफा जब मैंने कर लिया और मैं ऊपर आ गई तो ये सबसे खूबसूरत फीलिंग थी। हर चीज में बस मुझे अल्लाह की कुदरत नजर आ रही थी, और हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना नेचर को। खैर फॉर ग्रांटेड तो हम हर नेमत को ही ले लेते हैं। बहुत देर तक हमने यहाँ पे टाइम गुजारा, फिर हम आगे गए और हमने और भी हाइकिंग की थी। फेमस सेवन सिस्टर क्लिफ्स के पास जाकर तो मैं काफी एग्जॉस्ट हो गई थी, वो सब तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट मजा बहुत आया। एंड वी आर बैक। हमें बहुत देर हो गई है, शाम हो चुकी है, 2-2.5 घंटे की हमने ट्रैकिंग करी है और अब लग रही है जी भूख। सो वी आर ईटिंग सबवे। हम जब आए थे यहाँ पे, आते हुए हमने रास्ते पे देख लिया था हलाल सबवे जो हमें दिखा था, वहाँ से हमने ले लिया था ताकि यहाँ पे मसला ना हो। वैसे यहाँ फिश एंड चिप्स मिलते हैं बट हमें नहीं खाना था, हमें अपनी पसंद का खाना हलाल खाना था। कौन सा वाला ये? ये मेरा। तो चलें जी इसको इंजॉय करते हैं, ये बेचारा सॉसी सॉसी हो गया है पूरा। और ये है जी व्यू हमारा, इस व्यू के साथ इस सबवे को एंजॉय करेंगे और फिर घर जाएंगे। व्लॉग मैंने बिल्कुल निकलते टाइम बनाना शुरू किया, इसलिए मैं भूल ही गई आप लोगों को बताना, मैं घर पे पुलाव के लिए यखनी बना कर गई थी ताकि मुझे वापस आके कोई परेशानी ना हो। बस मैंने इसमें आके राइस डाल दिए थे, हस्बैंड ने जल्दी से सैलड बना ली थी मजेदार सी, मैंने रायता बनाया और साथ में ये सीख कबाब। मसाला मैंने पहले से लगा के रखा हुआ था, बस मैंने इस वक्त फ्राई किया था, लेकिन हमारा खाना अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रेडी था खाने के लिए। और इतनी ज्यादा हाइकिंग के बाद तो ये बहुत ही मजे का लग रहा था, थकन बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने डिटेल में और कुछ नहीं किया, बस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। अपने और अपने आसपास वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, व्लॉग में कुछ पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।